हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सर्दियाँ चल रही हैं और सर्दियों में गुड़ खाना और ड्राई फ्रूट्स खाना सभी पसंद करते हैं। तो आज हम ड्राई फ्रूट्स और गुड़ की चिक्की की रेसिपी लेके आए हैं। ये बनाना बहुत ही आसान है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी बनाना। तो इसके लिए जो मैंने इन्ग्रीडियंट्स यूज़ किए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। पहले मैंने बादाम लिए हैं, काजू लिए हैं, पिस्ता लिए हैं, पम्पकिन सीड्स लिए हैं, खसखस लिए हैं, वाटरमेलन की सीड लिए हैं और सनफ्लावर के सीड लिए हैं और थोड़े से ही मैंने मूंगफली के दाने ले लिए हैं। ड्राई फ्रूट्स के अलावा जो यूज़ करेंगे हम वो है गुड़ और घी। 1 या 2 चम्मच घी का यूज़ करेंगे। अब सबसे पहले हमने गैस में फैन रख दिया है और इसके अंदर हम ड्राई फ्रूट्स डाल रहे हैं। इनको हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं भूनना है हमें इन्हें। आप चाहें तो इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं अपनी पसंद से, जो आप खाना पसंद करते हैं। सर्दियों में ड्राई फ्रूट सभी के लिए फ़ायदेमंद होते हैं और गुड़ भी बहुत ही फ़ायदा करता है फ्रेंड्स। तो ये चिक्की आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। लाइक भी कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ मेरी वीडियो में कोई कमी रह गई है। ड्राई फ्रूट्स को भूनना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे क्या होगा कि जो थोड़ी बहुत नमी होगी हमारे ड्राई फ्रूट्स में वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी। अब लास्ट में हम मूंगफली के दाने डाल देंगे, क्योंकि मूंगफली के दाने पहले से भुने हुए हैं इसलिए हमने इनको लास्ट में डाला है जब हमारे ड्राई फ्रूट्स भुन गए हैं। अब हमने फिर से फैन रख दिया है गैस के ऊपर और इसके अंदर 1 चम्मच घी डाल दिया है। घी हमारा पिघल गया है। अब इसके अंदर हम गुड़ डाल देंगे, जो गुड़ निकाल के रखा हुआ हमने 1 कटोरी गुड़ लिया है। करीब करीब 200 ग्राम गुड़ ले लिया है हमने और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये पिघल जाए, अच्छे से मेल्ट हो जाए गुड़ इस पानी के अंदर। बस नहीं, और इसको लगातार चलाते रहेंगे गुड़ को, और इसकी अच्छे से हम चाशनी रेडी करेंगे। एक तार वाली हमने चाशनी रेडी करनी है इसकी गुड़ की। इससे ही हमारी अच्छे से पट्टी जो चिक्की हम तैयार कर रहे हैं वो अच्छे से जम पाएगी। ये देखिए काफ़ी सारा झाग आने लग गए हैं और अब हम चेक करेंगे 1 कटोरी में पानी डालकर कि हमारी चाशनी रेडी हुई है या नहीं हुई है। देखिए पानी के अंदर डाला है मैंने, अब इसको हम देखते हैं। ये देखिए ये हमारी चाशनी रेडी हो चुकी है फ्रेंड्स। ये आराम से पानी में उठ के आ रही है चाशनी। अब मैंने 2 छोटी छोटी प्लेटें ले ली हैं क्योंकि मैं प्लेट में ही चिक्की जमाऊंगी, तो उसमें घी लगा रही हूँ। इस तरीके से घी लगा लेंगे हम 2 प्लेटों में छोटी छोटी, और आप चाहें तो किसी भी तरीके से चिक्कियाँ रेडी कर सकते हैं आप। और इनको मैंने रख दिया है। अब इसके अंदर हम ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे जो चाशनी हमारी रेडी हुई है उसके अंदर, और इन्हें हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे चाशनी को और ड्राई फ्रूट्स को, और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। थोड़ा सा झाग है अभी इसके अंदर, लेकिन ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। जैसे हम प्लेट में डाल देंगे तो ये झाग भी ख़त्म हो जाएंगे हमारे। अच्छी तरीके से मिला लिया है मैंने इसको। अब प्लेट में हम डाल देते हैं जितना हम डालना चाहते हैं। ये देखिए काफ़ी झाग दिखाई दे रहे हैं, ये सब बैठ जाएगा जब हमारी चिक्कियाँ रेडी हो जाएंगी। तो इस तरीके से हमें इसे डाल देना है और इन्हें ज़्यादा देर रखने की ज़रूरत नहीं है। ये 15-20 मिनट में ही रेडी हो जाती है चिक्की हमारी। ये देखिए सारा का सारा झाग बैठ गया है और हमारी चिक्की कितनी अच्छी लग रही है देखने में। अब हम इन्हें निकाल के दिखाएंगे आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने चिक्कियों को निकाल लिया है। हल्की सी सॉफ्ट है क्योंकि अभी ठंडी नहीं हुई है एकदम से, तो ये जैसे जैसे ठंडी हो जाएगी बिल्कुल कड़क हो जाएगी हमारी चिक्की, रेडी हो जाएगी बनकर बिल्कुल अच्छी तरीके से, जैसे बाज़ार में मिलती है वैसे ही। देखा ना आप लोगों ने कितनी आसान है ड्राई फ्रूट्स की चिक्की बनाना फ्रेंड्स। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और सर्दियों में इसके ज़रूर मज़े लीजिएगा फ्रेंड्स। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।